हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शो योर टैलेंट। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में मने बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, गुस्सा तो हम सभी को आता है, किसी को कम आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है और किसी को हद से ज़्यादा आता है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि गुस्से में हमारे मुंह से कभी कभी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि सामने वाले के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं, और कभी कभी ऐसे शब्द बोलने वाले को खुद भी बाद में पछतावा होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुंह से निकले हुए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। और ख़ास बात यह है कि गुस्सा दूसरे के ऊपर चाहे कितना भी बुरा असर डालता हो, मगर उससे ज़्यादा तो बोलने वाले के ऊपर ही असर डालता है। देखिए, जब गुस्सा आता है तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है, और जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। मगर ये कहना जितना आसान है कि गुस्सा मत करो, एक्चुअली इस पर इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। तो इसी गुस्से से रिलेटेड एक आज का किस्सा है जो मैं आप सबके सामने शेयर करूँगी। ये किस्सा है पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई झगड़े को लेकर। पति पत्नी के बीच तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, और अक्सर बात गाली गलौज तक भी पहुँच जाती है और हाथापाई तक भी पहुँच जाती है। कभी कभी सुलह हो भी जाती है और कभी कभी नहीं भी होती। तो चलिए हम आज का ये किस्सा सुनते हैं। एक पति ने अपनी गुस्सैल पत्नी से तंग आकर उसे कीलों से भरा एक थैला देते हुए कहा, तुम्हें जितनी बार क्रोध आए तुम थैले से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक देना। पत्नी को अगले दिन जैसे ही क्रोध आया उसने एक कील बाड़े की दीवार पर ठोक दी। यह प्रक्रिया वह लगातार करती रही। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि कील ठोकने की व्यर्थ मेहनत करने से अच्छा तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, और क्रमशः कील ठोकने की उसकी संख्या कम होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि पत्नी ने दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने खुशी खुशी ये बात अपने पति को बताई। वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम एक बार भी क्रोधित नहीं हुई, ठोकी हुई कीलों में से एक कील निकाल देना। पत्नी ऐसा ही करने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि बाड़े में एक भी कील नहीं बची। उसने खुशी खुशी ये बात अपने पति को बताई। पति उस पत्नी को बाड़े में लेकर गए और कीलों के छेद दिखाते हुए पूछा, क्या तुम ये छेद भर सकती हो? पत्नी ने कहा, नहीं। पति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब समझी, क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द दूसरे के दिल में ऐसे ही छेद कर देते हैं जिनकी भरपाई भविष्य में तुम कभी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये एक किस्सा था, और इस किस्से से हमें ये संदेश मिलता है कि जब भी आपको क्रोध आए तो सोचिएगा कि कहीं आप भी किसी के दिल में कील ठोकने तो नहीं जा रहे। ये कहना जितना आसान है उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। क्रोध पे पूरी तरह से नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है, मगर थोड़ा बहुत तो नियंत्रण करा ही जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई शांत रहना भी चाहे तो उसे उकसाते रहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति में ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ना तो ये खुद चैन से कभी जिएंगे, ना दूसरों को चैन से जीने देंगे, और ये खुद तो फ्रस्ट्रेटेड होते ही हैं, और अगर कोई सामने वाला कूल बैठा है तो उसे भी फ्रस्ट्रेट करके ही मानते हैं। दोस्तों, आप अपने क्रोध को, अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नया वीडियो लेकर के।